तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले टॉप 3 कार अंडर 5 लाख अंदर मिलने वाली कुछ ऐसी कारें जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली कुछ ऐसी कारें हैं जो कि बहुत ही कम बजट में आ जाती हैं और जिनका माइलेज भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। हर किसी का सपना होता है कि उनके पास एक छोटी सी कार हो जिसमें बंदा अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सके। कम बजट की अच्छी कार के लिए मारुति सुजुकी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि यह अपनी कम बजट की कार में काफी ज्यादा फीचर देती हैं और इनका माइलेज भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो हमने अपने पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी अल्टो 2023। ये 2023 का नया मॉडल है। इस मॉडल में आपको काफी ज्यादा नई चीजें देखने को मिलेंगी। पुराने मॉडल की अपेक्षा यह मॉडल काफी ज्यादा सुंदर है दिखने में और अंदर से स्पेसियस बना दिया गया है इस मॉडल को। इस मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 3,99,000 रुपए एक शोरूम से। और माइलेज की अगर हम बात करें, मारुति सुजुकी की छोटी सी कार के अंदर आपको 24 kmpl का माइलेज देखने को मिलेगा। यह गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी के ऑप्शन में आपको मिल जाती है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक को यह पता होता है कि यह गाड़ी मारुति की ऑल्टो कार है और इसका इंजन आपको 998 सीसी का देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 5 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा बूट स्पेस दिया गया जो कि 214 लीटर का है। दोस्तों फोर्थ नंबर की कार आ रही है रेनो इंडिया की तरफ से। उनकी क्विड काफी ज्यादा स्टाइलिश यह कार आपको देखने को मिलेगी। कमांडिंग व्यू आपको मिलेगा ड्राइविंग के लिए और काफी ऊंचा बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर। आपको हैचबैक सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर की यह कार मिलेगी जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 4,70,000 रुपए एक्स शोरूम से। और अगर हम इस गाड़ी की कुछ विशेषताओं की बात करें तो माइलेज आपको 21 kmpl का इसमें देखने को मिलेगा। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 999 सीसी का इसमें शानदार इंजन दिया गया है जो कि 3-सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलेगा। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी इस गाड़ी को मिली हुई है। फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल मिल जाता है। ट्रांसमिशन में सिर्फ आपको मैनुअल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको सीटिंग कैपेसिटी में 5 लोगों की सीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम बात करें रेनो क्विड के बोर्ड स्पेस की तो जो काफी लाजवाब है, हैचबैक सेगमेंट में छोटी सी गाड़ी में 279 लीटर का बोर्ड स्पेस भी आपको देखने को मिलेगा जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस सेगमेंट की कार में इतना ज्यादा बूट स्पेस आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। अगर आपका बजट है 5 लाख रुपए का और एसयूवी वाला फील आप चाहते हैं तो रेनो इंडिया की क्विड को आप कंसीडर कर सकते हैं। काफी बढ़िया और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ यह गाड़ी मार्केट के अंदर आती है। अपने सेगमेंट की यह छोटी सी एसयूवी कही जाती है क्योंकि इसमें हैचबैक वाला मजा आपको नहीं मिलेगा, इसमें एसयूवी वाला फील आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की कार की, तो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है एस्पेसो। एस्पेसो काफी ज्यादा शानदार और शानदार गाड़ी है। यह एक छोटी सी एसयूवी वाला फील आपको देगी। फ्रंट से देखने तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह छोटी सी हैचबैक कार है और काफी ज्यादा स्पेसियस यह गाड़ी है और इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए फीचर भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 4,27,000 रुपए एक्स शोरूम से। माइलेज की अगर हम बात करें तो 24 kmpl का आपको माइलेज देखने को मिलेगा। पेट्रोल में 2 ऑप्शन में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, सीएनजी के ऑप्शन में और पेट्रोल ऑप्शन। सुरक्षा की दृष्टि से अगर यह गाड़ी देखी जाए तो 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जीएनसीबी क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को मिली हुई थी। फ्यूल टाइप पेट्रोल और सीएनजी का आपको इसके अंदर मिल जाता है। ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। एस्पेसो भी काफी ज्यादा सुंदर दिखती है और बहुत ज्यादा भारतीय बाजार में बिकती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4 सीटर और 5 सीटर के ऑप्शन में आपको यह गाड़ी देखने को मिलेगी। अंत में अगर बूट स्पेस की बात करें तो 240 लीटर का शानदार बूट स्पेस इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों